बेटा तुझे ये बैल कैसी लग रही है भैया? अच्छी है या बहुत अच्छी है? पचास रूपये की अकेला खा जाता है पूरी 50 रूपये खा जाएगा पूरा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जानी और मेरे यूट्यूब चैनल फूडी अल्पेश जानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जिस तरह हम पूरे सूरत में और गुजरात में थ्रू आउट नए नए फूड की वैरायटी और स्ट्रीट फूड का जायका आपको कराते हैं, मैं आज आपको लेके आया हूँ जहाँ हम बचपन से खाते थे। नाम है टका की बेल। टका की बेल ऐसा कोई शायद ही होगा जो कॉलेज के यंगस्टर या बूढ़ा लोग जिसने टका की बेल नहीं खाई होगी। बहुत पुराने है। उसका जो बेल का स्वाद है, उसकी जो चटनी है, वो बनाने की जो स्टाइल है, वो सब एक से बढ़कर एक है। तो चलो हम चलते हैं टका की बेल के लिए। और दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर हम कोई पुरानी चीज़ें, पुराना स्वाद और पुरानी डिश खाना चाहते हो और उसमें हमारे साथ तुम्हारे पुराने दोस्त आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो मैं मेरे सब कॉलेज के यार को लेके आया हूँ, जो इसमें से ये है विजय टांग, जो मेरे साथ एफ आई रिकॉर्ड से था, यह है अलग डोंडा और ये भावेश सुजित्रा जो हमारे साथ कॉलेज से थे। और दूसरी बात, जो ये शूटिंग कर रहे हैं यह है दीपक गज्जर, जिनकी खुद की द फूडी सीरीज नाम की एक फूड ब्लॉग बनाते हैं और काफ़ी बढ़िया है। आप उनके चैनल को भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीपक जी, आप अपने हमारे सब्सक्राइबर को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? तो अल्पेश की ये वीडियो बहुत ही बढ़िया बनने वाली है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज हमारे साथ है, तो हम मतलब शूटिंग का जो शूटिंग करेंगे और खाने की बहुत मज़ा लेने वाले हैं। तो चलो हम खाने की मजा लेने के लिए चलते हैं। तो चलिए, नमस्कार, कैसे हो? तो ये जो टका की बेल में हम टका बोलते हैं, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग आदमी है और प्यार से लोग उसे टका बोलते हैं। टका का मतलब हम गुजराती में जिसके बाल कम हो ऐसे होता है, लेकिन लोग उसे दिल से चाहते हैं। ये उनके भाई है तो हम उससे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हो आप? तो ये बेल कितने सालों से आप यहाँ से यहाँ पे है? वो भाई हमारा यहाँ पे 5 साल हुआ, सब मिला के 35 साल हो गया। तो आप सुन सकते हैं 35 ईयर्स, 35 साल से ये बेल बराछा रोड पे थे। 5 साल पे ये यहाँ पे है और उसके पहले वो गीतांजलि टॉकीज पहले थी, गायत्री खमन के पास वो वहाँ पे थे। तो चलो हम कैसे बेल बनाते हैं देखते हैं और बाद में उसका जायका लेते हैं। इसमें लहसुन भरा है ना? पहले ये लारी में ही था, अब शॉप अभी किया है। लारी चालू है पहले से? हाँ, लारी पहले से ही है। हाँ, दुकान अभी चालू, दुकान अभी शुरू किया। हाँ, लारी तो बहुत दूर है। तो टका भाई, हमें ये बेल में कितने साल हो गए? 38 साल। 38 साल हो गए और यहाँ 5 साल से है। और वहाँ पे जो पहले क्या, कहाँ पे थे हम? मातावाड़ी। पहले मातावाड़ी में? ये ग्रीन चटनी में आप मसाला मिलाते हो? जीरा, उसके हिसाब से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। सब पार्सल का रहता है? सब पार्सल। हाँ, और ये सब पार्सल के लिए वो बनाते हैं पूरा, बराबर। ये सब पार्सल जितना यहाँ खाने के लिए लोग आते हैं उससे ज़्यादा पार्सल जाते हैं। हाँ, पार्सल जाते हैं। फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे चल जाएगा। अच्छा, अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। ये सबसे पहले ममरा, उसके बाद सिंह,
सिंग सेवड़ा, उसके बाद ये मसाला वाली सिंग है और ये मोले सिंगाली और बाद में ये आपका खुद का मसाला है नींबू। स्पेशलिटी उसकी चटनी में है नींबू, ये ग्रीन चटनी, इसका मजा ही अलग है। आप यहाँ पे अगर बेल बन रही है तो आपकी जो सुगंध आती है ना, वो सुगंध से आप खाना शुरू कर दोगे, इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। ये ममरा वाली बेल है और मेरे दोस्त को है ना ममरा वगैरह की प्योर जो दाने की कॉलेजन आती है ना उसको वो ज़्यादा अच्छी लगती है, भावेश को बोलते हैं, तो भावेश के लिए हम वो बना रहे हैं। कस्टमर पोर्टल बजाज गैलेक्सी पोर्टल गूगल पे सर्च करो, इसमें ममरा नहीं है पोर्टल और उसकी जो स्पेशल ग्रीन चटनी पोर्टल। और खाने के बाद अगर आपको तीखा लगता है और ये है सेव ममरा बराबर, तो चलो हम तीनों प्लेट का जायजा लेते हैं और ये ग्रीन चटनी लहसुन। हाँ देखिए मजा है ना इसकी चटनी का है, तो चलो हम चलते हैं। हमने तो कई बार टेस्ट किया है और सबसे बहुत बढ़िया है। आपको कैसे लग विजय? फर्स्ट क्लास। ये ममरा वाली है और ये है ना स्पेशल दाना वाली, भावेश भाई की फरमाइश, और ये सेव ममरा। तो मैं टेस्ट करता हूँ पहले ये आपके लिए, दाना ममरा सेव चटनी लहसुन नींबू का पानी मीठा पानी, वाह वाह। आप यहाँ वराज रोड पे आइएगा, टक्का के बेल सिर्फ इतना बोलिएगा आपको यहाँ सब लोग छोड़ के जाएंगे, इतनी बढ़िया है। ये दिवाली का टाइम है फिर भी इतनी पब्लिक है। और ये दूसरी वाली टेस्ट करते हैं जो दाना की, जिसमें है ना ममरा के अलावा सेम टू सेम सब चीज सेम टू सेम है, मोले दाने मसाले वाले दाने चिवड़ा सेव ग्रीन चटनी लहसुन नींबू पानी मीठा पानी जोरदार। ये और ये दोनों में डिफरेंट क्या है मैं बताता हूँ, इसमें जो पानी मीठा पानी आता है ना वो उसको ग्राफ्ट कर लेता है सब पानी, वो उसमें सोच जाता है, और ये आप इसमें पानी का एहसास करते हो, और इसके साथ ये चटनी ये ग्रीन चटनी ली और उसके साथ ये मिक्स किया ग्रीन चटनी के साथ, एक बार ऐसा खाएगा ज्यादा ले लिया, तीखा लग रहा है बहुत तीखा लग रहा है, ये सेव ममरा तीखा लग रहा है तो अभी सेव ममरा खा लो, आंख में पानी आ गया लेवल हो गया। तो ये अगर आपको मेरी ये टका की बेल और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये टीम सबको आपको अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।
चला बाजी ले लीजिए। तो दोस्तों आज हम आए हैं सूरत की नहीं वराचरोड़, तो दोस्तों आज हम आए वराचरोड़ के नहीं बल्कि सूरत की सबसे जानी मानी भेल टका की भेल की। किसकी? टका की भेल। तो आया करो।